हेलो दोस्तों, आप सभी नमस्कार। आप लोग कैसे, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, भारत वैसे बांग्लादेश की जो पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश की टीम 133 रन 8 विकेट गंवा चुके हैं और शानदार गेंदबाजी किया है कुलदीप यादव ने। देखिए, जो जिस हार्ड वर्किंग साथ उनका मतलब कि कमबैक किया है वो शानदार है, क्योंकि देखिए हम कुलदीप यादव के बारे में जानते हैं कि कुलदीप यादव जब से डेब्यू किया था स्टार्टिंग में 2017-18 वहां से जिस प्रकार से उन्होंने बॉलिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन बीच में दो तीन ढाई तीन सालों में जिस तरह उनका मतलब कि ग्राफ थोड़ा नीचे जाता चला नीचे जाता रहा, उसके बाद आज जिस पास वापसी किया टेस्ट में वो शानदार रहा, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी किया और बांग्लादेश किसी बल्लेबाज को उनकी स्पिन समझ नहीं आ रही थी कि किस प्रकार उनको खेलना, आगे खेलना कि पीछे जाकर खेलना, किसी कुछ भी नहीं पता था। शानदार बॉलिंग किया, 4 विकेट लिया है कुलदीप यादव ने और 3 विकेट लिया मोहम्मद सिराज। शानदार गेंदबाजी किया मोहम्मद सिराज ने और उमेश यादव को 1 विकेट मिला। उसके पहले भारतीय टीम 278 रन से आगे खेलना स्टार्ट किया 6 विकेट नुकसान पर। देखिए, श्रेयस अय्यर 82 रन के से आगे कुछ खास नहीं कर पाए, केवल 4 रन का जोड़ पाए, उसके बाद 86 पे आउट हो गए, जबकि उनको शतक मारना चाहिए क्योंकि शानदार बल्लेबाजी किया था, शतक लिए डिजर्व करते, लेकिन उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर पाए और शतक नहीं बनाए, लंबी पारी नहीं खेल पाए। लेकिन रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव की यहां फिर से सराहना और प्रशंसा और अप्रिशिएट करना पड़े, क्योंकि अश्विन ने शानदार बल्लेबाजी की और कुछ अरसे से देखा जा रहा है लगभग 1.5-2 सालों से रविचंद्र अश्विन अपने बैट के साथ शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर टेस्ट मैचों में भी काफ़ी अच्छा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आज 50 मारा, उसी 50 की वजह से भारतीय टीम एक लंबा स्कोर बना पाई और 58 रन के शानदार बल्लेबाजी पारी खेली और कुलदीप यादव शानदार उनका साथ दिया, 40 रन बनाए जिसके वजह से 404 रन बनाने में कामयाब हुए। उमेश यादव ने भी 2 छक्के लगाए, तो यहां से एक अच्छी भारतीय पहली पारी में अच्छा स्कोर बनाया 404। हम रात में कल कहे थे आप लोग से कि 350 अच्छा स्कोर होगा, लेकिन 404 बन गया, ये तो सोने सुहागा हो गया। तो यहां पे 55 रन और एक्स्ट्रा बना दिया भारतीय टीम ने, तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए भारतीय टीम 404 रन बना चुकी है और अभी 133 पे 8 विकेट गंवा चुका है बांग्लादेश, केवल 2 विकेट शेष है बांग्लादेश का और अभी भी लगभग 80 रन से ऊपर फॉलो ऑन बचाने के लिए है बांग्लादेश के पास। अगर इतने पहले आउट हो जाती है जो अमूमन आउट हो जाएगी, कि मेहदी हसन मिराज जो ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अभी भी वो टिके हुए हैं 16 रन बनाकर और उनका साथ जो इबादत हुसैन उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन देखिए ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे क्योंकि लाइट की वजह से थोड़ा जल्दी खेल समाप्त हो गया, पूरा ओवर नहीं हो पाया हमारे हिसाब से। और जिस तरह से मतलब कि आज भारत, मैंने आपसे कहा था कि भारतीय टीम में जो प्रॉपर 3 स्पिनर खिलाए गए, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और कुलदीप यादव, ये तीनों अलग अलग वैरायटी के स्पिनर है जिसके वजह से बांग्लादेश की टीम को काफी दिक्कतें काफी मुश्किलें आ रही हैं। और वहीं हम बात करते हैं बैटिंग की, तो बांग्लादेश की तरफ से कोई खास बैटिंग कर नहीं पाया। देखिए जिस तरह सकीब आउट हुए, उनके कप्तान है लिटन दास अच्छे लगे, लेकिन उनको क्लीन बोल्ड कर दिया मोहम्मद सिराज, शानदार गेंद पे संटो कुछ खास नहीं पाया, जो उनका जाहिर करके एक नया बंदा डेब्यू हुआ वो कुछ खास नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए जो भी बल्लेबाज आए वो चलते गए, क्योंकि देखिए उन्हीं के ग्राउंड में खेला जा रहा है, उनके घर में खेला जा रहा है और उनको भी नहीं पता था कि स्पिन कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर कैसे खेलना है, फास्ट बॉलर की जो बॉलिंग है कितनी ऊपर चढ़ेगी कितनी नीचे रहेगी उन्हें भी अंदाजा नहीं थी। और शानदार देखिए ये बात तो एक क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ बांग्लादेश में वो दमखम नहीं कि खेल सके, कि ओडीआई में हमने बहुत ही खराब, हम बॉलिंग वजह से नहीं हारे, हम बैटिंग की वजह से भी हारे और देखिए कप्तानी की वजह से भी बहुत बड़ा उसमें कप्तानी का भी बहुत बड़ा कसूरवार था उसमें हारने की वजह से, जिसकी वजह से हारे। देखिए अदरवाइज बांग्लादेश में दमखम नहीं कि अच्छी अब हार्ड बॉलिंग टफ बॉलिंग खिलाफ कुछ खास कर सके। देखिए 10 में से 1-2 मैच बना सकते, लेकिन 10 में से 8 मैच बना दे ये नामुमकिन है, ये इम्पॉसिबल वाली बात हो गई यहाँ पर। तो बांग्लादेश में दमखम नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत शानदार टीम है टेस्ट में और देखिए ओडीआई में भी, T20 मुकाबले में भी काफी अच्छी टीम है भारतीय टीम। तो आज दमखम दिखाया उमेश यादव ने, बहुत शानदार बॉलिंग किया, काफी तेज रफ्तार से बॉलिंग किया, 146-147 तक स्पीड से गेंदबाजी किया और शानदार तरीके से उन्होंने एक क्लीन विकेट उड़ाया उन्होंने। और शानदार देखिए जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहा है, खासकर देखिए ओपनिंग स्पिनर जिस तरह से भारतीय पिचेस हो या बाहर की पिचेस हो, अवैध टूर हो, वहां पर शानदार ओपनिंग स्पिनर करते हैं मोहम्मद सिराज, वो आज बहुत
शानदार किया, शानदार किया है, तो ये देखने लायक है हमारे गेंदबाजों की तरफ। अश्विन कुछ खास नहीं कर पाए, उनकी गेंद मतलब कि अच्छी बॉलिंग तो किए, एक विकेट एक मतलब कि कैच भी छोड़ा उन्होंने, लेकिन उसके बाद कुछ खास कर नहीं पाए विकेट कीपर नूरुल ने कि अदरवाइज बहुत सारी दिक्कतें हो सकती थी, आलोचनाएं हो सकती, लेकिन वो जो कैच था काफी लो कैच था। अगर मान लीजिए अश्विन थोड़ा सा जल्दी भाप गए होते, थोड़ा आगे कैच पड़े जल्दी कैच हुआ था, लेकिन वो खास कुछ कर नहीं पाए रविंद्र अश्विन, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ कुछ खास नूरुल कुछ खास नहीं कर पाए, जो उनके विकेट बल्लेबाज हैं कुछ खास नहीं कर पाए, और बहुत जल्दी ही कुलदीप यादव की गेंद पे शुभम गिल ने उनका कैच पकड़ लिया, आउट होकर चले गए। तो इस तरह की मतलब कि रही हो कल, देखिए अभी मुझे नहीं लगता कि चार दिन से ज़्यादा गेम चलने वाला है, और देखिए अगर मौसम साथ देता तो शायद तीन दिन में मैचेस खत्म, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है, काफ़ी वहाँ धुंध है, काफ़ी पता नहीं पॉल्यूशन वहाँ दिक्कत है कि बादल की वहाँ क्लाउड है ये तो नहीं पता अभी है, लेकिन जो भी दिक्कत है काफ़ी बैड लाइट वहाँ पर हो रही है, और जो मतलब समय है समय के जल्दी वहाँ पर अंधेरा हो जा रहा है, तो इस तरह पूरा गेम 90 वक्त जो मैच मुकाबला होना है वो नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज तीन दिन मैच मुकाबला खत्म, लेकिन अभी भी चार दिन में मुकाबला जा सकता है, चार दिन ज्यादा मुझे नहीं लगता मुकाबला जाने वाला है, और शायद देखिए इंडिया एक बार और बैटिंग करेगी मुझे ऐसा लग रहा है, मे भी शायद देखिए क्या होता आगे, तो इसी उम्मीद साथ मिलते हैं, सोना ख्याल रखिए, चैनल सब्सक्राइब के लाइक के बटन प्रेस कीजिए, मिलते हैं इस वीडियो में, बाय, टेक केयर।